हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की खबर आ रही है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किसी परीक्षा के द्वारा नहीं होती, उसके लिए एक कॉलेजियम होता है जिसमें खुद जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं वो उसमें शामिल होते हैं। और ये जो कॉलेजियम है जिसमें उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिनको हम CJI कहते हैं, उनके साथ चार अन्य न्यायाधीश मिल करके, जो सीनियर न्यायाधीश होते हैं, वो पांच लोग मिल करके सिफारिश करते हैं सरकार को कि हम इनको न्यायाधीश नियुक्त कर रहे हैं, इनको या चीफ जस्टिस हाई कोर्ट नियुक्त कर रहे हैं। और ये सिफारिश के बाद ही सरकार अपना एक्शन लेती है, यानी सरकार उसमें अनुमति प्रदान करती है या कोई उनका कोई ऑब्जेक्शन है तो सरकार बताती है। इसके लिए सरकार पहल नहीं कर पाती, वो एक अलग बात है कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग बात है कि किस तरह के नाम आते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन ऑन पेपर अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्तियों की सिफारिश जो है कोलेजियम करता है। और ये जो तीन राज्य हैं जहाँ पे मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं, उसमें उत्तराखंड, ओडिशा और मेघालय। उत्तराखंड में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है वो रितु बाहरी जी की हुई है। न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह जी का नाम जो नामित किया गया, प्रस्तावित किया गया है, वो ओडिशा उच्च न्यायालय के लिए किया गया है। वहीं न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन का नाम मेघालय के मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रस्तावित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम जो है ये न्यायाधीशों की नियुक्ति तथा स्थानांतरण से संबंधित प्रक्रिया को पूरा करता है। ये मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है आने वाली परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए आप इसको नोट कर लें और आने वाली परीक्षाओं तक याद रखें। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।